अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग क्विक रेसिपी विद हिना सैयद। सो आज जो मैं आपको बनाना बताऊंगी वो इससे रिलेटेड डेजर्ट है जो कि बहुत यम्मी बनेगी और बहुत बहुत क्विक बनने वाली है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत क्विकली कोई रेसिपी सबको बताऊं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाला। आप कोई सा भी ले सकती हैं, टिन की सूरत में मिल जाता है आपको और वैसे बॉक्स में मिल जाता है। तो आप सबसे पहले कंडेंस मिल्क लेंगे, देन आप उसमें बटर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको आप लो फ्लेम पर जो है वो इसको मिक्सअप करेंगे। जब ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाए तो हमारा जो है वो मेन पॉइंट वो होगा, दिस इज़ द पॉइंट। सो ये पॉइंट था, जब आपने देखा आपका थिक हो गया तो आप इसे हैवी क्रीम, इसमें जो है 200 ग्राम जो है वो हैवी क्रीम का ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के, मैं आपको दूसरे तरीके बता दूंगी कि आप इसे फ्लेम से उतार कर ठंडा करने के बाद और बीट को, हैवी क्रीम बीट होती है जाहिर सी बात है, तो बीट होने के करने के बाद वो ठीक हो जाती है। फिर आप उसमें जो है ये भी डाल सकते हैं जो आपने मिक्सअप बना के रखा था, ये उसमें डाल सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देन मैं सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज लूँगी, उसे मैं कट कर दूँगी 2 पीसेस में इस तरीके से। ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी जो है वो कुछ 2 पीसेस में मैंने जो है वो कट कर दिया है, जो मैंने बाउल में डाला था इसका मिक्सचर वो डालकर मैं उसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगी स्ट्रॉबेरी की। अच्छा, मैं स्ट्रॉबेरी की एक लेयर लगा दूंगी उसके ऊपर अच्छे से, और स्ट्रॉबेरी की लेयर लगाने के बाद ये देखिए ये बहुत अच्छा सा लग रहा है। देन मैं एक बाउल में डार्क चॉकलेट को जो है वो लूँगी, और मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखा, उसमें हैवी क्रीम डाल दी है। आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले डार्क चॉकलेट को जो है वो मेल्ट कर सकते हैं, देन आप हैवी क्रीम को, जैसे कि मैंने पहले बताया, बीट करने के बाद वो हैवी क्रीम उसमें मिक्सअप कर सकते हैं। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा इस तरीके से किया था कि मैंने उसे लो फ्लेम पर जो है वो चॉकलेट और साथ में हैवी क्रीम साथ ही डाल दी थी, और मैंने देखा कि ये जब इस तरह की पॉइंट में आ गया तो मैंने जो है इसको फ्लेम ऑफ करके मैंने हटा दिया उसको, और जो मैंने ठंडा करने के लिए ये मिक्सर रखा था स्ट्रॉबेरी लगाकर, ये स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैं इसकी चॉकलेट की लेयर लगा दूंगी। आपके पास ऑप्शन है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। उस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा, क्योंकि क्रीम जो है वो जब बीट होती है अच्छे तरीके से तो वो डबल क्वान्टिटी में हो जाती है। अब आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए जब तक कि ठंडा ना हो जाए और ये उसकी अपनी शेप ना बना लें। देन आप उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जो है वो गार्निश कीजिए, डेकोरेट कीजिए, और डेकोरेट करने के बाद आप जो है इसे सर्व कीजिए। सो ये मेरी पहला डेजर्ट था, इसके बाद मैं आपको एक और डेजर्ट भी बताऊंगी। अब कुछ डेजर्ट मीट से रिलेटेड ही बताऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।